बहुत ही खुदा उनका शुक्र है कि बहुत ज़बरदस्त रहा हमारा और बहुत कुछ हमने सीखा, जो कि मैडम हुमैरा के सेमिनार में, सर जोशवा के सेमिनार में और मेरे सेमिनार में भी आपने सीखा। इसी तरह हमारी जो जूनियर लीडरशिप हमारे स्टूडेंट्स थे, इसमें फर्स्ट सेमिनार लिया मिस्टर लॉयल, उन्होंने आपको बड़ी अच्छी तरीके से ब्रीफिंग दी कि आपने किस तरह खुद को जो है वो सेव करना है। हमने बताया कि किस तरह आप गलियों में अकेले जब आते हैं तो किस तरह आपने सेव करना है। इसी तरह आज हमारा थर्ड एंड लास्ट सेमिनार जो है वो सेशन लेंगे मिस्टर अयान बेटी, जो कि आज आपको बताएंगे तीन चीज़ों के बारे में। आज सेमिनार का जो टॉपिक होगा वो टॉपिक है हेल्दी लिविंग, जिसके अंदर तीन चीज़ें आप आज सीखेंगे, जिसके अंदर मिस्टर अयान आपको ब्रीफिंग देंगे कि फर्स्ट नंबर पे आप एक्सरसाइज हमारी ज़िंदगी में कितनी ज़रूरी है, नंबर टू पे डाइट बैलेंस, मुनासिब खुराक क्या है जो हम ले सकते हैं इसके बारे में बताएंगे, और थर्ड एंड लास्ट है व्हाट टू ईट, कि आप क्या खाएं कि आप हेल्दी रहें, आपको मज़ीद एनर्जी मिले ताकि वो एक्सरसाइज आप करें। इसमें मिस्टर अयान जो है इन्होंने आज का जो हमारा सेमिनार है वो सेशन लेंगे, तो मैं चाहूँगा कि आप भी भरपूर प्लीज़ बहुत अच्छे आमीन। अब मैं अपने सेमिनार को स्टार्ट करूँगा। सेकेंड है बैलेंस डाइट और थर्ड है व्हाट टू ईट। फर्स्ट से हम शुरू करने की एक्सरसाइज में आप ये कर सकते हैं, प्रेसेस कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं और रनिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं और भी बड़ा कुछ कर सकते हैं। बैलेंस डाइट का आपने ज़्यादा नहीं खाना, जब आपका पेट फुल हो जाए आपने ओवर ईटिंग नहीं करनी, अपने मामा पापा की बात भी मानो, अपने मामा पापा की बात मानने से चीज़ें खुश होते हैं। अब व्हाट टू ईट पे चलेंगे। अब व्हाट टू ईट का बताऊँगा मैं। आप व्हाट टू ईट में फिश खा सकते हैं, वेजिटेबल्स खा सकते हैं, फ्रूट खा सकते हैं, मैंगो खा सकते हैं, एप्पल खा सकते हैं। इसी के साथ मैं अपना सेमिनार ख़त्म करूँगा। बच्चों से जो कि हमारे स्टूडेंट्स थे उनसे सुना और सुन के हमें बड़ा प्राउड फील हुआ, क्योंकि यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आते खड़े होकर बताना सिखाना ये बहुत बड़ी बात है।
भारत वाली बात है और बहुत हमें ये प्राउड है कि हमारे बच्चे, हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट हमें नजर आ रहा है, ये दिख रहे हैं। और इसी तरह हम समर कैंप के बारे में, क्योंकि समर कैंप जब हमने ओपनिंग की तो हमने बड़े ढोल धमाके के साथ, बड़े अच्छे तरीके के साथ इस ग्राउंड के अंदर, आप सबको पता है कि हम यहाँ पर जो है वो ढोल्स वालों को लेके आए, हमने सेलिब्रेट किया ओपनिंग की अपने समर कैंप की। इसी तरह कल ऑन संडे हम जो है वो अपने इसी तरह समर को जो है वो एंडिंग करेंगे उसी अंदाज के साथ जिस तरह शुरू से लेके एंड तक रहा। मिडल में भी हमने बड़ी मौज मस्ती की, बहुत अच्छा कुछ सीखा आपके मॉडलिंग के हवाला से, आपके ईटिंग यानी कि टेबल मैनर्स के हवाला से हमने सीखा, आपके सेमिनार के हवाला से सीखा। इसमें हमने आपको बहुत सारी चीज़ें थी जो कि टैलेंट शो की सूरत में हमने ये इस समर कैंप के अंदर सीखा। तो और भी बहुत सारी गेम्स थी जो हमने इसमें की, जिस तरह भूत बंगला हो गया, साथ में पैजन हंट थी हमारी गेम, और इस तरह हमारा कल के लिए हमने पूल पार्टी का जो है वो अरेंज किया है, उसके बारे में मैडम हमारा आपको कल का गाइड करेंगे। जी मैडम हमारा प्लीज़ कल के बारे में बताएं। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हैं आप सर? बहुत अच्छे। हम लोगों को बहुत मज़ा आया ये समर कैंप में, हमने बहुत इन्जॉय किया, सर ने हमें बहुत सी एक्टिविटीज़ करवाई, हम बहुत सारे बहुत शुक्रगुजार हैं। थैंक यू। बच्चों को भी वो साथ लेकर और हमें भी साथ लेकर चले हैं, हमें बहुत अच्छा लगा है। इसमें हमने बहुत सी गेम्स की हैं जैसा कि ट्रेजर हंट और स्टक इन द मड और बहुत सी एक्टिविटीज़, साथ में हमें ट्रिप्स भी बहुत करवाई है, जैसे हम दादा मॉल गए हैं और भी काफ़ी जगह पे गए हैं। कुछ मेरे से मिस भी हुई है लेकिन मैंने याद रखा है कि जू पे भी गए हैं बच्चों को लेके, बहुत मज़ा आया, बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया है। तो सब बहुत अच्छा सब गाइड करते हैं और बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ करवाते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मेरा नाम है ग्रोइफॉर्ड, मैं बास्केटबॉल साइज का जूनियर वॉलंटियर हूँ और मैं मैग्री टीम का सब्जेक्ट है। हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज मीरा परिमाइन गर्ल, मैं बास्केटबॉल साइज की स्पीडर हूँ और मैं टीम महा में से टीम आल की सब कैप्टन भी हूँ और जब मैडम मैंने नहीं होती तो मैं टीम को चलाती हूँ। हेलो एवरीबॉडी, मैंने समर कैंप में हमने ट्रिप्स की थी, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स किए थे और क्लासेस भी हुई थी जिससे हमने कुछ चीज़ें सीखी और कुछ चीज़ें यहाँ पर आई हैं, जैसे पूल आए और आप ये चीज़ें देख भी सकते हैं, हमारी आईडीज आई हैं नहीं और हमारा मूवी बनी है, हमारी मूवीज आई है, हमारा चैनल बन गया है और बहुत सारी ट्रिपें हुई हैं, हमारा ब्रांड भी आ गया टीम मैग्नेट का, टीम बहार का और हमने बहुत सारी ट्रिप्स की हैं। हम मुझे माना मॉल, बैक्सिन मॉल जितनी भी ट्रिप्स हैं मुझे उसमें बहुत मज़ा आया, कॉम्पिटिशन भी इतने सारे हुए हैं जिसमें हमने कॉम्पिटिशन ही हमने बहुत सारी मौज मस्ती की है। और इनकी मिस मीरा। हेलो एवरीबॉडी, मैं अपने जो मैंने 3 मंथ में किया मैं आपको बताऊँगी। फर्स्ट है कॉम्पिटिशन, सेकेंड है पिकनिक, थर्ड है स्विमिंग पूल पार्टी, मैं मुझे बहुत मज़ा आया। हेलो सर, कैसे हैं? ठीक ठाक है। और जो मुझे ट्रिप पसंद आई है समर कैंप में वो मैं आपको बताऊंगा। मुझे दूसरा एक बात पसंद आया, हमने उसमें ट्रेन का सफ़र किया, हमने स्लाइड ली, हमने वाटरफॉल के नीचे नहाए, हमने हमारी नई नई आइडियाज बनी, हमारी अच्छी अच्छी मूवीज बनी। वहाँ का बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं, ऐसे ही हमारी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनेंगी। सर 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 का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे लिए इतना ज़्यादा पैसा लगाया, हमें ट्रिपों पर लेके गए। सर जो कहते हैं वो करते हैं, जो नहीं भी कहते वो करते हैं। थैंक यू। हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज
स्टडी टाइम स्टूडेंट और बच्चों का साइज हमने समर टाइम में बहुत मज़ा आया। इन 3 मंथ्स में हमने बहुत मस्ती की और मैं थैंक यू करता हूँ सर का कि जिन्होंने हमें ट्रिप पर लाए और मैं लीडरशिप का थैंक यू करता हूँ कि जिन्होंने हमें इतनी अच्छी ट्रिप दी और मैं बास्केटबॉल साइज का थैंक यू करता हूँ जिन्होंने मुझे अपनी क्लास भी दिया। हमें ट्रिप रोकने के लिए और सर थोड़ी पैसे और सर के पास तो वो रिवॉर्ड भी देते हैं। मेरा नाम जोश भजन है और मैं बास्केटबॉल साइंस का स्टूडेंट हूँ। हमें समझ में अपने बहुत मज़ा आया और हमने बहुत मस्ती की। हम ये भी गए मैं सर का थैंक यू करना चाहता हूँ। बिल्कुल सही है। यस पक्की बात है। ओके गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, आई होप यू आर वेल, आई होप यू आर फीलिंग ब्लेस्ड ऑन दिस वंडरफुल डे। मेरा नाम सर जोशुआ साहिल बेडर उद्दीन है, मैं 23 इयर्स ऑफ एज का हूँ और जैसे कि आप सब जानते हैं जिस ऑर्गेनाइजेशन से, जिस कंपनी से और जिस क्लास से आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं जिसका नाम है बास्केटबॉल साइज, उस क्लास का मैं हेड वॉलंटियर लीडर हूँ एंड आई एम ऑल्सो द फाउंडर ऑफ दैट स्पेक्टेकुलर ग्रेटनेस। ठीक है ना, जैसे कि आपको बताया गया और आप जानते हैं कि ग्रेटनेस का दूसरा नाम बास्केटबॉल साइज है और ग्रेटनेस की सिर्फ हम डेफिनेशन ही नहीं है, ग्रेटनेस की हम डिस्क्रिप्शन भी हैं। खुदा ने बहुत ब्लेस किया है मुझे और मेरे थ्रू ये जो सारे फिनोमिनल फेसेस आप 24/7 देखते हैं, मैं बहुत खुश हूँ उनकी तरक्की के साथ, मैं बहुत खुश हूँ बास्केटबॉल साइज की तरक्की के साथ। और आज मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको दिख रहा होगा कि सब बहुत ही शक्लों में भी ब्राइट हैं और खुदा की बरकत से इनके जो फ्यूचर्स हैं वो भी हमारे साथ ब्राइट होंगे। और आप सब पता है हमारी टाइमिंग्स आ रही हैं शाम को 7 PM से 8 PM, तो आप सबको पता है कि हम सब मतलब काम भी करते हैं, बच्चों के स्कूल भी स्टार्ट हो रहे हैं बहुत जल्दी, बल्कि कुछ के मंडे को स्टार्ट हो रहे हैं, कुछ को 15 अगस्त को स्टार्ट हो रहे हैं। तो जब हम 7 से 8 क्लास करेंगे तो 8:30 वो घर पहुँचेंगे, 9 बजे तक वो अपना खाना पीना खा के 9:30 तक वो अपना काम शाम स्कूल का करके 10 बजे तक वो सब सो सकते हैं और सुबह उठ सकते हैं जल्दी, स्कूल के ऊपर फोकस कर सकते हैं, शाम को हम पे ऐसे ही उनको दें, अपने घर को जो टाइम देना चाहिए अपने घर को दें, अपने मामा पापा को दें और जो क्लास को टाइम देना वो आप क्लास को दें। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगा समर कैंप के बारे में, जो कि 3 मंथ का हमारा समर कैंप था मई जून जुलाई, जो कि मेरे लिए लाजवाब गया है। मैं बहुत खुश हूँ, हमने बहुत सारी चीज़ें उसमें की और मिस्टर इब्राहिम डारा प्लीज़ देख लें कौन है उधर, आज कैमरामैन बने हमारे लिए, वो हमारे जूनियर वॉलंटियर लीडर हैं जिनका नाम है मिस्टर योएल फ्रोज। और जब हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो हमें लास्ट नेम कहने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं यही सिखाता हूँ बास्केटबॉल साइज, यही सिखाता है कि आप सबको हर कोई जाने आपके सिर्फ फर्स्ट नेम से। तो समर कैंप बहुत अच्छा गया, उसके अंदर हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ की, क्लासेस भी की, बहुत सारी चीज़ें बच्चों ने सीखी, मज़ीद हमने भी सीखी और मज़ीद सीखते आएंगे। जैसे हमारा बूट कैंप स्टार्ट हो रहा है बहुत जल्दी और उसको क्या कहते हैं, हमने इवेंट्स भी किए, एक्टिविटीज़ भी की, कॉम्पिटिशन्स भी किए और हमने क्या कुछ नहीं किया, हमने बल्कि ऐसी कोई चीज़ नहीं जो हमने नहीं की समर कैंप में, मज़ीद हम करते आएंगे। बहुत सारी चीज़ें जैसे आपने देखी हैं समर कैंप हमारे लिए लेके आया, तो मैं चाहूँगा आप हमारे लिए दुआ में हमें याद रखें और मज़ीद हमारे बहुत अच्छे दिन आगे भी आ रहे हैं। लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर एवरीबडी जो आज आए, और कल का दिन भी बहुत शानदार होने वाला है जैसे हम अपने बर्थडे को आगे लेके जा रहे हैं कल को, तो कल को हम इंजॉय करेंगे, पूल पार्टी है, कुछ सरप्राइजेज भी हैं हमारी जो ग्रेट फेसेस हैं उन सब के लिए, हमारी जो मेन टीम के मेंबर्स हैं, न्यू टैलेंट के मेंबर्स हैं, उन सब के लिए बहुत बड़े सरप्राइज हैं जो हमारी पूल पार्टी में आएगी और इसमें हम सब हिस्सा लेंगे। लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच। हे गाइस, हाउ यू डूइंग टुडे, आई होप यू आर वेल। आई जस्ट वांट टू लेट यू गाइस नो, जो चीज़ मैं कहना भूल गया था, आज की सेटिंग लाजवाब थी, मैं बहुत खुश हूँ आज की सेटिंग के साथ और बहुत ही अच्छे लेवल के ऊपर आज हमने अपना जो फर्स्ट डे हमारा जो समर कैंप ख़त्म हो रहा है। कल आप सबको पता है कि कल पूल पार्टी है विद अ लिटिल सरप्राइज, जो कि आइसक्रीम पार्टी और बोतलों का सरप्राइज़ है। मैं कहना चाहूँगा शुक्रिया थ्रू दिस वीडियो जो इस जगह के मालिक हैं और जो जिन्होंने कल इस सेटिंग की परमिशन दी ताकि आज हम इस सेटिंग को यूज़ कर सकें, तो मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस अस ऑल एंड मे गॉड ब्लेस यू एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।